Assalamualaikum नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से मुल्क भर में 16 और 17 दिसंबर यानी दो दिन के लिए नेशन वाइड स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया गया था। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बैंक एम्प्लॉयज बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के फैसले पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दो दिन के लिए बंद कर बैंक एम्प्लॉयज सड़क पर उतर आए हैं। गुलबर्गा शहर में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े बैंक एम्प्लॉयज भी लगातार दो दिन बीजेपी गवर्नमेंट से नाराजगी जाहिर कर एहतजाज करते हुए अपने गुस्से का इजहार किए हैं। तमाम बैंक एम्प्लॉयज का कहना है बीजेपी गवर्नमेंट बीएसएनएल, एलआईसी, भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करने जा रही है, जिससे आने वाले जनरेशन को काफी ज्यादा नुकसान होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए इस स्ट्राइक को सपोर्ट करने कई मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। वासियों को नमस्ते। मैं रमा दर्गी, इंडियन बैंक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर यूनियन का। ये आज दो दिन का स्ट्राइक, कल और आज का स्ट्राइक में बहुत सारे लोग हमको आज सपोर्ट भी दिए, कुछ लोग गाली भी दिए। तो मैं आज बोलने का क्या सपोर्ट मिला है किसी तरफ से, उनको सब धन्यवाद। और जो लोग हम लोगों को क्यों रोड पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं बोले तो, हमारे सैलरी के नहीं गवा के कर रहे हैं, हमारे जॉब बचाने के लिए नहीं कर रहे। हम अगले पीढ़ियों को जॉब लगना बोल के हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा जॉब तो रहता ही, हम तो जॉब से निकले नहीं जाते। प्राइवेट होए तो भी हम जॉब में रहते हैं, प्राइवेट नहीं होए तो भी हमको सैलरी मिलता है, जॉब में रहते। जो लोग अभी का आगे का पीढ़ी है उनको प्राइवेट होने के बाद कोई भी नहीं पूछते, वो लोग रोड पर आते, उनके लिए हम लोग आज लड़ाई कर रहे। जो लोग हम लोगों को फेसबुक में वो ये कमेंट दिए, बुरे लोग बुरे कमेंट दिए, वो उनके लिए मैं उनके लिए हम लोग रोड पे आए बोल के उन नहीं समझ रहे, सर्विस नहीं दे रहे अच्छा, इसीलिए वो लोग रोड पे आए। लेकिन कोविड के समय में हमारा एसेंशियल सर्विस बैंकर्स का था, हमारे बहुत से एम्प्लॉय मर गए हैं। खुद मैं ही अफेक्टेड हो गई हूँ कोविड से और 8 दिन हॉस्पिटल में रह के मौत से लड़के आके आज आपके लिए मैं स्ट्राइक कर रही हूँ। क्या ये स्ट्राइक हमारे लिए नहीं है, देश के लिए है। ये देश का पैसा बचाना, कुछ किसानों का खेत गिरवी है अपना बैंक में, वो लुटेरों का हाथ में नहीं गिरना है। प्राइवेट होए तो खेत का जो जमीन गिरवी रखे वो किसान कहाँ जाना बोलो। हमारा सर्विस नहीं मिला बोल के कुछ फेसबुक पे कमेंट करें ना, उनको नहीं पता कि हम जो जनधन 500 अकाउंट ओपन करते, जो प्राइवेट बैंक में 10,000 लेके ओपन करते, जनधन खाता कौन ओपन करे, नेशनलाइज बैंक वाले करे। और डेमोन्स्ट्रेशन टाइम में ये अपना नोटबंदी के टाइम में रात को 12-1 बजे तक सर्विस कौन दे, हमारा नेशनलाइज बैंक दिया है। वो सब सोचना बंद करें, उन्होंने 1,000 लोग आके सर्विस दे बोले तो होता है क्या? एक बैंक से 100-150 लोग आए तो हम लोग सर्विस देते, 1,000 लोग उतना हमारे पास स्टाफ भी चाहिए ना, स्टाफ क्यों नहीं देते फिर? वो लोग स्टाफ देने के लिए तैयार नहीं, सर्विस पूछते हैं। सर्विस हम पूरा मन से दे रहे तो अभी बुरा बात करते हैं उसको, उनका क्या है? बैंक लोग स्ट्राइक करते हैं अपना सैलरी बढ़ाने के लिए, हमारा सैलरी कुछ भी नहीं होता है, हम दो दिन का सैलरी गंवा रहे हैं इधर, वी आर लूजिंग आवर 2 डेज सैलरी। इतना कुछ लोग एज हो ऐसा वाले पैर दर्द है, ठहरने नहीं होता है, बैठते हैं, हम किसके लिए करें? लोगों का पैसा जो जमा है हमारे पास वो लूटी नहीं होना, वी वॉन्ट टू सेव द मनी ऑफ द कस्टमर्स, लोगों का पैसा नहीं होना। और सब मीडिया उनको थैंक यू, हमारे को जो आज सपोर्ट दिए उनको थैंक यू। मेरा नाम रविशंकर है, मैं सेंट्रल बैंक स्टेट कमेटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो इधर गुलबर्गा में सभी बैंक मिलके एक स्ट्राइक कॉल किए हैं, दो दिन से चल रहा है ये जो स्ट्राइक है, हम बैंक वाले के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए है। सभी जो बैंक एम्प्लॉयज यहाँ पे आके प्रोटेस्ट किया कर रहे हैं, सभी मित्रों को इस टाइम में मैं उनको सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा स्ट्राइक इतना सक्सेस होने के लिए उन लोगों का भी सपोर्ट मिला है। आज और कल और आज दो दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का जो नेतृत्व में गुलबर्गा में हड़ताल चल रहा है, ये हड़ताल खासगीकरण के विरोध में है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके खिलाफ में सभी बैंक एम्प्लॉयज़ इकट्ठा होकर, सभी यूनियन एक होकर
ये आंदोलन को खड़ा कर दिया है। हमारा किसान संगठन का जो यूनियन है, किसान संयुक्त मोर्चा, हमारा सेंट्रल कमेटी की तरफ से हम ऐलान किए हैं कि ये जो मजदूरों का यूनियन का जो मूवमेंट है अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर गुलबर्गा का जो संयुक्त होराट कर्नाटक है, वो कलबुर्गी यूनिट की तरफ से भी हम लोग पूरा सपोर्ट हम ये यूनियन के मेंबर्स को और जो बैंक एम्प्लॉयज़ को देने के लिए यहाँ पर आए थे।